जगती जगत रे जिमुत भेद करे जाग्रत जैत्र जा विमल जगत नाथ बोली जगत जा कहुरी जित्रंक मध्य रे प्रबल हे नीलाद्रिश जातीय जाति सर्व जन जंगम मात्र सम ज्ञान जगत जिना भोग जगदीश विभव जानी तो रमती हीन जन हे महाप्रभु आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयालो अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगळरे ये दास अकिंचनर आभूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम महाप्रभुंकर ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र मध्यान्ह समय रे सुंदर भावरे जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे आमे माने दर्शन करुचे महाप्रभुंकर पंकज मुख को आउ प्रभुंकर ये श्री मंदिर रो बड़ देउल रो 22 पावच्छर अपूर्व दृश्य जो 22 पावच्छरे भक्त टिए जिते बेले गोटे गोटे पाद पकईकिरी गोटे गोटे पावच्छ को चढ़ी थाए सेते बेले तार हृदय रे प्रभुंक प्रति अहेतुक भाव उत्पन्न होई थाए एवं प्रभुंक दर्शन रो लालसा तीव्र होई थाए से मन मन चिंता करे ये 22 पावच्छ केते बेले अतिक्रम मु करिवी आउ प्रभुंक पाखरे पहुंचिबी प्रभुंक दर्शन करिवी अरुण स्तंभ पाखरे भक्त प्रणाम प्रणिपात करुछंती गुहारी करुछंती आउ महाप्रभुंकर रूप को देखंतु आज शुक्रवार मणिमा ये धला रंगर वस्त्र परिधान करिवे कालिया सामंत धला रंगर वस्त्र परिधान करि मणिमा माळ मध्य रहिछि धला प्रभु होउछंती कला आउ प्रभुंकर प्रिय होउछि धला देखिबा आपण बड़ ठाकुर होउछंती धला धवल मूर्ति उत्तम बड़वाड़ सामंत होउछंती धवल मूर्ति आउ महाप्रभु होउछंती कला श्री मुख कला कले वर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय जेतेबेले प्रभु बाहरंती बाहर को आपण देखिथिबे महाप्रभु होउछंती कला तांकर सबुतक धला प्रिय केमिति ना बड़ ठाकुर होउछंती धवल मूर्ति तांकर रथर घोड़ा होउछंती धला एवं मणिमा होउछंती कला तांकर सबुतक प्रिय वस्तु तांकर रथर घोड़ा देखिबे धला छत्र जो थिबो तांकर छत्री धला छत्री तेणु तांकर से धला को भल पाती ये एक विचित्र कथा महाप्रभुंकर रुचि महाप्रभुंकर प्रिय महाप्रभुंकर श्रीमुख कला श्रीमुख को ये चका चका आखि कला श्रीमुख गोटिकी सुंदर चका डोला प्रभुंकर एवं मल्लिफुल मल्लिफुलर माळ जेते पुष्प रहिछि शास्त्र रे आमर लोकमुख रे गोटे कथा अछि कोन ना पुष्पेषु मल्लि नगरेषु दिल्ली फूल भीतर होउछंती मल्लिफुल नगर भीतर होउछंती दिल्ली पुष्पेषु मल्लि नगरेषु दिल्ली मल्लिफुल गोटिए आपण हाथ रे धरिबे तार जो बासना मल्लिफुल रे जो रूप मल्लिफुलटी जेपरी आकर्षित करे सेपाई ताकू कहला मल्लिका पुष्प देवता मानंकर अति प्रिय एवं आम ठाकुरंकर मध्य भारी प्रिय कालिया सामंतंकर रूप को देखुनांती अधररु
ଲମ୍ବିଛି ଇଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମାଳ ମାଳା ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରସା ନୃପମ ପ୍ରମୋଦ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପଥିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଇଏ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଗଗନଚୁମ୍ବିତ ଜଗତି ଉପରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ନାମକ ଇଏ ପ୍ରାସାଦରେ ଜଗତରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିମଳୟ ବିମଳ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ହେ ମଣିମା ଜାତି ଅଜାତି ଇଏ ସମସ୍ତ ଜୀବମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରଭୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ କେହି ଛୋଟ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଚଉ ବର୍ଗ ଦିଆ ଚକା ନୟନ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋରେ ସମାନ ଆଉ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଜଗତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭବ ରୂପରେ ଇଏ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ଇଏ ହୀନ ଜନରେ ସ୍ୱପଶ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅପିଚେତ୍ ସୁଦୁରାଚାର ସାଧବେଶ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ମଣିମା ଜଗନ୍ନାଥକେ ଭାତ ଜଗତ ପସାରେ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟକୁ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଇଏ ଜଗତ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କେବଳ ଜଗତ ନୁହଁ ଇଏ ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆକୁଳ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇକରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭଲ ଲାଗେନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ବନେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗକୁ ବିଭବକୁ ବୈଭବକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ସୁଖର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କା ଭାତ ଜଗତ ପସାରେ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନେକ ଭୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛତ୍ରଭୋଗ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ରଭୋଗ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ରହିଛି ଇଏ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଛତ୍ରଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପଧାନୀ ପଟୁଆରରେ ଇଏ ଭୋଗ ଆସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରି ଏଠି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକାଦଶୀ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକାଦଶୀ ନୁହଁ ଏଠି ବିପରୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଦଶୀ ଓଲଟା ହେଇକିରି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମ ବଳିଆର ଭୁଜ କାନ୍ତିମ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କକୁଭ ପରିବୀକ୍ଷ ରକ୍ତାଂ କାକାଦି କାକୁ ରଚିତମ୍ ଭୟମାତ ନୌତି କାକା ସ୍ଥିତିର୍ଭବତି କାଶ୍ୟ ନବେତି କଶ୍ଚିନ୍ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ କରି ଲୋକନ ପ୍ରାଚୀ ଅରୁଣ କାନ୍ତି କାଳ କୋକିଳ କାହାକୁ ନଦିଏ ଶାନ୍ତି କି ଦଶା ହେବ କାହାର ନୁହେଁ ସ୍ମରଣ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ତେଣୁ ପାଦେ ଶରଣ ଆଜି ଭକ୍ତ ଏହି ଭାବରେ ଖିନ୍ନ କୁମୁଦ ବଧି ବିଧୁ ବିରହେ ଖ୍ୟାତ ବିଧବା ରୂପେ ବିଚିତ୍ର ନୋହେ ଖାଇବ ସିନା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ତେଣୁ ପଦେ ଶରଣ ଏହି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦରେ ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜନ କେତେ ଭକ୍ତ କେତେ ବିଦେଶାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁହାରି କରିଦେଲେ ସ୍ତୁତି କରିଦେଲେ ଆଉ ଚକା ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ରଙ୍ଗା ଅଧରର ବିସ୍ଫାଟିତ ରଙ୍ଗା ଅଧରର ମଧୁର ହସକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପକାନ୍ତି କମନୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭକ୍ତର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କୁହାଯାଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅରୁଣ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚତାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଦେଖିଦେବେ ମନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦର
से चित्र महाप्रसाद छाया चित्र आपण को आखि आगे नाचिज स्नान मंडप अभूतपूर्व दृश्य खरा पड़िक चमकुची स्नान मंडप कारण जो धड़ा चूनर प्रलेप दि जा धड़ा चूनर प्रलेप तेज वृद्धि करुछंती महाप्रभुंकर ये प्रासाद मेघनाद प्राचेरी आनंद बजार आनंद बजार संसार एमती कई नहांती जी आनंद बजार संपर्क आनंद बजार को जाणी नहांती जी जगन्नाथ को जानती जगन्नाथ को तो समस्ते जानती आनंद बजार को मध्य समस्ते जानती कारण जगन्नाथ को जेतिकी भल पाती भक्त माने महाप्रभुंकर महाप्रसाद को मध्य सेतिकी भल पाती आउ निजे स्वयं प्रभु कहउछंती अमृतं तदि नैवेद्यम प्रभुंकर ये नैवेद्य होउछि अमृत आउ आज एकादशी एवं देखिबा को भूलिबे नाही आज रात्र रे एकादशी महादीपर दर्शन रात्र दस घटिका ठारे सीधा प्रसारण मध्यम रे आपण माने दर्शन करिवे किपरि भाव रे महादीप उठिवो एवं आज चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि संध्या धूप परे रामकृष्ण सीतादेवी चलती प्रतिमा माने जगन्नाथ वल्लभ मठ को विजय करती एठारे हरचंडी साहिर साहिर लोके परशुराम कलाहरण नीति आज अनुष्ठित हे प्रस्ताव परशुराम प्रस्ताव करती तो आज साहिजात नीति रही ये साहिजात हेले निद आसे ना आखि पुरीर बासिंदा माने दर्शन करने साहिजात को देखापी मन भितर आग्रह आसी थाए मलिफुल माल को बेक पकई सुंदर भाव में साहिजात आनंद को उपभोग करती मध्याह्न समय टी हूँ भोजन करिवार समय ये शरीर को जेपरी भोजन आवश्यक या आत्मा को मन को सेपरी आध्यात्मिक मार्ग मध्य आवश्यक आध्यात्मिक कथा श्रवण करिवा द्वारा ये जीवर मार्ग ये जीवर इहलोक परलोक सुधुरी जाई थाए तेणु सुंदर भाव देखंतु खरा पड़ुची भक्त मानंकर दर्शन चली नीलाद्रीनाथंकर शरण को जाउछंती गंगाम्बु गंध कुसुमां चितचारुण चारु बेशौ गंगेन्दुमौ अलिभसितांकित विग्रहौ जौ गोपांगना हृदय पंकजा भास्वरौ तौ नीलाद्रीनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये सुंदर भाव रे दर्शन करुछंती भक्त माने कृतकृत्य हो जाउछंती धन्य हो जाउछंती रामा ललितांघ्रि क्षमा वंद्य पादं समाराध्यमेकं ममीकावलंब्यं कृपा सागरम सार सारम शरण्यम सदा भावगम्यम जगन्नाथ मीड़े जगन्नाथ होती जीवर सर्वस्व तेणु जगन्नाथंकर बिना जगन्नाथंकर बिना ये संसार रे किछि नाही ये जीवर मध्य किछि नाही तेणु समस्ते जगन्नाथ को धरुछंती पतित पावन नारायणंकर सुंदर दर्शन अभिमान करुचे नमस्ते जगताधारु स्वर्गस्थित स्वर्गस्थित्यंत कारणे नारायण नमस्तेस्तु परमात्मन परायण तेणु महाप्रभु संसार रे जेते ठाकुर रहिछंती सबु ठाकुर मंदिर भितर विराजमान करिथांती भक्त माने मंदिर भितर को जामती ये एपरी दयालु ठाकुर मंदिर भितर बसिथिले पुणी तांकर कौन मन होला जे मोर भक्त माने केतेक भक्त अछंती मंदिर भितर को जो माने आसी पारिबे नाही जो माने अनधिकृत्य पतित मानंकु तारण करिबा पई पतित पावन रूप रे प्रभु द्वार देश रे बसिछंती गुमुट रे बसिछंती सिंह द्वार गुमुट भितरे एक ठणा सदृश मंदिर भितर विराजमान होइकरि अछंती पतित पावन ये रूप को भक्त माने देखि दियंती सुंदर भाव रे प्रणाम करि दियंती एवं ये मध्याह्न समय मध्य देखंतु पाद ताती जाउथिले मध्य भक्त मन भितरे कालिया सामंत को देखिबा पई से आग्रह ये पाद ततिबा आगरे किछि नुह तुच्छ प्रभुंक दर्शन आगरे आउ सबु तुच्छ संसार रे जते सुख रहिछि प्रभुंक आगरे सबु तुच्छ तेणु प्रभु औछंती सार से प्रभुंकु जे भजुछि जे प्रभुंक भाव रे मजिछि जे प्रभुंक भाव रे हजिछि से पाई से आनंद परमानंद को तो महाप्रभुंकर अनेक भोग रही ये छत्र भोग कौन महाप्रभुंकर अनेक भोग रही कि ना महाप्रसाद
रोषशाला सुंदर भाव देखुंत विश्व प्रसिद्ध भोजनालय महाप्रभुं जो रोषशाला विश्व ब्रह्मांड रे रोषशाला कौटी अच्छी केते लोकंर रोष केते समस्त रोष किंतु देखिबे समस्त को सी पाँच नियंत हम ना से महाप्रसाद तेणु ये सिंहद्वार अरुणस्तंभ पाखरे आग जो भक्त से आसिक पहुँचुंट सीधा नजर जाकि पड़ू पतित पावन बैश पावच्छ भक्त मैंने आसुंच दूर दूरांत दर्शन करने आते बड़े अटकी जाऊँ अरुणस्तंभ पाखरे दर्शन इच्छा रही थी आसिक सिंहद्वार पतित पावन को देखीदे से मैंने टे शांत हो आहा जा प्रभुंर दर्शन पाईलु पतित पावन नारायण कलाश्रीमुख कलाश्रीमुख को देखीदेलु आतरक जीवे आग पतित पावन नारायण ये आनंद प्रदान करण पतित पावन को देखीद भक्तर हृदय शीतलता अनुभव करें सुंदर भाव अनेक भोग रही महाप्रभुंर जो भोग छत्र भोग बोली कह जाए छत्र भोग कौन कारण देखिए ये छत्र भोग जो भोग महाप्रभुंर विशेष दिन मानक अनुष्ठित होता है मान भोग सांगे छत्र छता जीव ये छत्र भोग कौन ना ये नीलाद्री महोदया अष्टमी मकर संक्रांति दक्षिणायन संक्रांति पौष पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा ये सब दिन मानक महाप्रभुंर छत्र भोग होता है पधानी पटुआर बोली कह जाए से पटुआर भोग आसी थाए एवं महाप्रभु को से भोग अर्पण करा जाई थाए एवं केते जे भोग रही महाप्रभुंर से भोग को मने रखिबा संभव नुह मनुष्य पक्ष कोठ भोग राजभोग एवं आपण देखिए पर्वपर्वाणी भोग ये छत्र भोग होची पर्वपर्वाणी भोग कारण महाप्रभुंर विशेष पर्वपर्वाणी जो पर्वगुड़िकर नाम कहली से ही विशेष दिन मानक ये पर्वपर्वाणी भोग अनुष्ठित हुए प्रभु पाखे आप देखिए से सब भोग मानक भितर ये छत्र भोग टी एक स्वतंत्र भोग कारण ये भोग साथ छत्र आसव एवं सर्वेषां सर्वक्षेत्राणं राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां सर्वदेवानं राजा श्री पुरुषोत्तमः पृथ्वीर समस्त क्षेत्र तीर्थमानंकर राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं समस्त देवतामानंकर राजा उचंती दारु ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ महाप्रभु कलिजुगर आराध्य देवता कली युगे हरि निजे नीलगिरी श्वेत पीत कृष्ण वर्ण कमल पयरु बहे मकरंद मधु कर गोपी मन जगन्नाथ महाप्रभु जो धाम विराजमान करती ताहा भोगर क्षेत्र अटे तेणु भोग ये बहुव्यर्थक शब्द जार अर्थ हो नैवेद्य आहार मणोही भक्षण फल अर्थ दुख सुख आदि अनुभव विलास स्त्री संभोग प्रारब्ध सर्पर फणा को मध्य भोग बोली कह जाए पाप पुण्यर फल जहाँ सहन करा जाए आयु घर पुर धन अधिकार मान परिमाण या सब भोग बोली कह जाए भोगर ये सब अर्थ भोग हूँ गोटे बहु अर्थक शब्द एवं एटि जो भोगर अर्थ कौन ना एटि भोगर अर्थ हूँ नैवेद्य मणोही आहार भक्षण आदि अर्थर ये प्रासंगिकता रही कारण प्रभुंर ये जो प्रसाद एटि ये क्षेत्र में महाप्रसाद ये हूँ साक्षात अमृत अमृतम तदि नैवेद्यम पापघ्नं मूर्ध्नि धारणात् भक्षणान महापापानि महादुरितनाशनम जोगी माने मुनि माने ऋषि माने जो परम पद को प्राप्त हुंति ध्यान तपस्या करिकिरी इति महाप्रभुंकर महाप्रसाद को पाइकिरी भक्त सही परम गति को पद को प्राप्त हो जाती तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग निर्माल्य बा नैवेद्य ये ही अमृत जहाँ मुक्ति प्रदायक अटे कारण अमृतर नाम हूँ मुक्ति अमृतर नाम हूँ मोक्ष आउ प्रभुंकर ये महाप्रसादर सेवन द्वारा भक्षण द्वारा भोग द्वारा ये जीव को
मुक्ति प्राप्त होता है। मुक्ति ही कैबल्य निर्वाण श्रेय निश्रेय सामृतम। तेणु प्रभुंकर ये नैवेद्य ये जो माने भक्षण करी थांती महाप्रसाद प्रस्तुति द्वारा देवता पितृ मनुष्य मानंकु तृप्त करा जाए। तेणु ये महाप्रसाद वेदरे कहुच देवता एवं मित्र को तृप्त करे ना से वास्तव में पाप भक्षण करे। तेणु मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बधयित्थ तस्य नार्ज्यमनम पुष्यतीनो शखायम केवलाघो भवति केवलादि। जगन्नाथ चेतनार गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ श्रीमंदिर राजभोग रोषशाला ऐतिह ये भोग रही प्रभुंकर से भितर छत्र भोग हूँ अन्यतम। कारण ये भोगरे जो भोगटी विशेष दिन मानक अनुष्ठित हुए दंड छत्र नीति एक स्वतंत्र नीति से प्रिय छत्र भोग ये विशेष दिन मानक भोग पर्वपर्वाणी भोग कौन ना नीलाद्री महोदय अष्टमी छत्रुभोग मकर संक्रांति छत्रभोग दक्षिणायन संक्रांति छत्रभोग पौष पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा एपरि विशेष दिन मानक ये छत्रभोग अनुष्ठित होता है महाप्रभु पाखे। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ तेना आप देखिए महाप्रभु पर्वपर्वाणी भोग कारण पर्वपर्वाणी विशेष पर्वपर्वाणी सुभोग अनुष्ठित होता है। तेणु श्री गुंडीचा यात्रा रे श्रीमंदिर चतुर्धा विग्रह रथारोहण पूर्वक गुंडीचा मंदिर को विजय करी पुनश्च एक सप्ताह परे सही रथत्रय रे श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करी थांती। श्रीमंदिर और श्री गुंडीचा मंदिर व्यतीत ठाकुर माने रथ उपरे पांच छह दिन धरी उपविष्ट होई थांती। इस समय रे अन्यान्य नीति पालित हेबा संगे संगे श्री विग्रह मानंक उद्देश्य स्वतंत्र कोरा बल्लभ विभिन्न फल नड़िया पाती इत्यादि सब भोग करा जाय था। पर्व पर्वाणी थारे ई जो समय रे ठाकुर मानंक अन्न भोग करा जाय न थाय रथ उपर महाप्रभु अन्न भोग खाई न थांती। अतीत रथ उपरे सकाळ धूप मध्यान धूप संध्या धूप रे निशंखुड़ी पिठामान भोग हेउथला कौनसी कारणवशतः ताहा 1930 मसीहारु बंद हो जाइछि। केवल रथ उपरे कोरा खई गजामुग विभिन्न फलमूल तथा आमर कदळी होउ सेउ होउ काकुड़ी होउ कमला चाउलिया पणस आंब सेपटा ये सब संपादित होउछि भोग। ए समय रे स्वतंत्र आकार रो नड़िया कोरा मध्य प्रस्तुत होइथाय महाप्रभु को पाई नड़िया कोरा जाई खंड अलैच लवंग लवंगुंड इत्यादि सब प्रस्तुत कोरा रथ कोरा नाम सुपरिचित। तेणु ये पर्वपर्वाणी प्रभुंकर विशेष भोगर व्यवस्था रही भाव ये सब गुंडीचागर महाप्रभुंकर विशेष पर्वपर्वाणी से स्वतंत्र भोग कारण महाप्रभुंकर जेतिकी भोगर नाम रही या उपरे मध्य एक विराट पुस्तक लिखाई जाइपर कारण जगन्नाथ संस्कृति होंगे एक विश्वविद्यालय। जगन्नाथ महाप्रभुंकर केवल भोगर नाम मन रखिपर ना कारण गोटे गोटे पर्वपर्वाणी एत मात्रे भोग थाए कि तार नाम को मन रखा संभव नुह। गुंडीचा मंदिर रे साधारण देखंतु गुंडीचा घरे जो पर्वपर्वाणी हुए महाप्रभु जतिक दिन रहंती सेठी मध्य स्वतंत्र भगवान अनुष्ठित होइथाय। बड़ पिठा पुली बड़ कामती सान पिठा माठ पुली बड़ हंसकली सान हंसकली सरबढ़ा पिठा झड़े नदा टाकुआ ध्वज पूजा पिठा पणसुआ नड़ू बड़ सान नाड़ी ओरिया खीरी बड़ काकड़ा सान काकड़ा बड़ बड़ा सान बड़ा बड़ नाड़ी घी नाड़ी त्रिपुरी ये सब स्वतंत्र भोग एवं ये स्वतंत्र भोग मानंकर नाम देखंतु किपर भाव। तेणु ये समस्त भोग महाप्रभु ये बसिकी
नीलाद्रौ भुंजन ये भोजन करुछन भोजनर प्राधान्य सेपरी हेरा पंचमी पर्वजात्रा भोग अधरपणा भोग सप्तपुरी अमावास्या पर्वजात भोग सातपुरी अमावास्यार मध्य स्वतंत्र भाव में भोग प्रस्तुत करा जाए। तेणु ये महाप्रभुंकर विशेष पर्वपर्वाणी रे सब भोग रही जेउट भोग पहली भोग सेपरी भाव ये छत्र भोग एक स्वतंत्र भोग चंदन यात्रा रे मांडुव भोग महाप्रभुंकर अनुष्ठित होता है एवं चंदन यात्रा भोग झूलण भोग बकुल अमावस्या भोग चितालागी अमावस्या पर्वाणी भोग बाल धूप भोग सेहीपरी भाव रे रास पूर्णिमार भोग नीलाद्रि महोदय पर्वाणी भोग ये नीलाद्रि महोदय अष्टमी जो भोग ताकू छत्री भोग मध्य कहा जाए एवं नीलाद्रि महोदय अष्टमी पर्वाणी भोग रे कौन क्यों क्यों नैवेद्य अर्पण करा जाए ना नाड़ी धौला खैरचूल टिकिली आरिसा पट आरिसा अधिक मनोहर गजा नाड़ी बड़सना आरिसा गजा उरिया मुग खीरी नाड़ी धौला खैरचूल मनोहर आरिसा सानपिठा नाड़ी कांति काखेरा बड़सान आरिसा गजा उरिया मुग खीरी ये तो सब सत्वलिपि रही किंतु कालक्रमे किछिटा भोग किछिटा जहाँ कि बंद हो जाए कौन सी कारणवशतः से विभिन्न पर्वपर्वाणी भितर नृसिंह जन्म महाप्रभुंकर एक पर्व नृसिंह जन्म पर्वाणी नीति में स्वतंत्र भाव में भोग महाप्रभुंकर रही था एवं चंपक द्वादशी स्वतंत्र भाव में महाप्रभुंकर भोग रही था एवं देवस्नान पूर्णिमा में छत्र भोग रही देवस्नान पूर्णिमा पर्वाणी भोग रे देखिए महाप्रभुंकर भोग नाड़ी धौला खैरचूल सान आरिसा अधिक मनोहर सान पिठा बड़ अंशकली सान अंशकली इपरि अनेक नैवेद्यर नाम नेत्रोत्सव भोग श्री गुंडीचा जत्रा पर्वपर्वाणी भोग सेपरी भाव में हेरा पंचमी पर्वपर्वाणी भोग प्रथमाष्टमी पर्वपर्वाणी भोग कर्कट संक्रांति भोग ये सब महाप्रभुंकर पर्वपर्वाणी भोग दक्षिणायन संक्रांति सेपरि दक्षिणायन संक्रांति में मध्य ये छत्र भोग अनुष्ठित होता है महाप्रभुंकर तेणु महाप्रभुंकर भोग तेणु जतेबेले जने सेठ आसिले से सेठ आसिकरी कौन कले ना से सेठ आसिकरी आगो रंगनाथ गले दर्शन करिबा पई रंगनाथ श्रीरंगम भगवान को जितने दर्शन करने जाए देखिले रंगनाथ शयन करपति जिते बड़े गले वेंकटेश्वर भगवान ढड़ा आउ जगन्नाथ महाप्रभु जो आसिले प्रभु ये जिते बड़े भोजन करुंट देखीदे से सेठ जनक कहले कहले रंग रंगनाथ सोवत किए रंग शोचार वेंकट खड़े कमावत वेंकटेश्वर छिड़ा होकर कमाऊ जगु बैठे बैठे खावत जगन्नाथ महाप्रभु बसी बसिकी खाऊ आह कि विचित्र भाव कालिया सामंत जी जगत को भोजन दौंट जी जगतर पालन करता से प्रभु ये विराजमान करी भोजन करुं ये भोजनर धाम तेणु तो मुक्तिर क्षेत्र ये प्रभुंक प्रसाद भक्त मैंने प्राप्त हो प्रभुंकर परम पद को मुक्ति को प्राप्त हूँ तेणु ये छत्री भोग विशेष पर्वपर्वाणी अनुष्ठित होता है नीलाद्रि महोदय अष्टमी दक्षिणायन संक्रांति मकर संक्रांति स्नान पूर्णिमा ये सबू दिन मानक छत्र भोग अनुष्ठित होता है सुंदर भाव में प्रभुंकर आम मैंने दर्शन करुचे ये रूप को मकर संक्रांति रे सेपरी मकर चौराशी भोग ये जिते पर्वपर्वाणी रही सब विभिन्न पर्वपर्वाणी रे स्वतंत्र भोगर व्यवस्था मध्य रही पुष्याभिषेक पर्वाणी भोग दोल पूर्णिमा पर्वाणी भोग नवांक पर्वाणी भोग जिते बेश जिते पर्वपर्वाणी कारण महाप्रभु होती बड़ लोक देउल बड़ घर बड़ गुमर कथा
ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଯେତିକି ଜାଣିବା ଯେତିକି କହିବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ, ସିଏ ଯେତିକି ଜଣେଇବେ ସିଏ ଯେତିକି କୁହାଇବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଜାନ ତ ତୁମହି ତୁମହି ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ସେଇଠୁ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ପରମାର୍ଥ ସ୍ତମେବ ବୈକୋ ଭବାପ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଂ ତ୍ୱାଂ ବିନ୍ଦନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁଷଃ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଧାର, ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ଏବଂ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ବିନାଶର କାରଣ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ଅଜ ଅଟନ୍ତି, ଅବିନଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମ ବସ୍ତୁ, ଯୋଗୀଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ପରାତ୍ପର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଚିନ୍ମୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଜଗତର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧି, ମାନବଗଣ କି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସୁନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଗତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, କଳିମଳ ଗ୍ରସିତ ଆମେ ଜୀବ, କେତେଦିନର ଆମେ ସଂସାରର କୁଣିଆ ରୂପରେ ଆମେ ଆସିଛେ, କିଏ 60 ବର୍ଷ, କିଏ 70 ବର୍ଷ, କିଏ 80 ବର୍ଷ, କିଏ 100 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେବା ଜାଣିପାରିବା? ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଦି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଦି ଶେଷ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆଦି ରମଣ ଅନନ୍ତ ରମଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ ନୀଳାଚଳନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅସୀମ, ଅପରିକଳ୍ପିତ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଆଧାର, ପରାତ୍ପର ଅଟନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୂଢ଼ବୁଦ୍ଧି ମାନବଗଣ, ଆମେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଏ ସୁନିର୍ମଳ ଯଶକୁ, ସୁନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଗତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଯେଉଁମାନେ କାମ ଅର୍ଥ ଲିପ୍ସାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ କେବଳ ଯାତାୟାତ କରି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦୈବାତ ଘଟିଥାଏ। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କାମାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ, ଲୋଭୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ସେହି କାରଣରୁ ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତ ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ କ'ଣ କହେ? ନାଥ, ମୁଁ ଅତି ଦୀନ, ମୁଁ ଅତି ହୀନ, ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଇଏ ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରି ଦୀନ ଅନାଥ ଜନମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏପରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ହେ କୃପା ସାଗର, ଆମେ ହେଉଛେ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଘଟ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ, ନିରନ୍ତର ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଆପଣ ନିକଟରୁ ସଂସାର ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ ଉପାୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଶାରେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ମାୟା ମୋହିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାର କାମନା ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ସଂସାରର ଭୋଗ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସାରର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଇଏ ସଂସାରର କଥା ମାଗିବେ ନାହିଁ, ସଂସାରର କାମନା ରଖିବେ ନାହିଁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃପାଳୁ,
ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଏ ଜୀବକୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ପୃଥକ ପୃଥକ ଯଜ୍ଞର ପୃଥକ ପୃଥକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ପତିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଯୋଗକ୍ଷେମାଭିସନ୍ଧାନ ଯେ ମୂଢ଼ାସ୍ତ୍ୱାମୁପାସତେ ଲୀଳା ବିମୁକ୍ତିଦମ୍ ତେବେ ତନ୍ମାୟା ପରିମୋହିତ। ହେ ଦୟାଳୁ, ହେ କୃପାଳୁ, ଘୋର ସୁଦୁସ୍ତର ମମୁଂ ହି ଜୟାତରେୟ ମଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଜନିତ ଶ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତୋପି ତନ୍ମେ ପ୍ରସିଦ ଭଗବନ ପଦପଙ୍କ ଜେତେ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ା ବିତରନାଥ ଭବାବ୍ଧି ମୁଜ୍ଜୈ। ଆମେମାନେ ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କିପରି? ନା ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆମେ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଡୋରି କିଏ ଲଗେଇବ? ଆମେ ଲଗେଇବା ଡୋରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଡୋରି ଲଗେଇଦେବା, ପ୍ରଭୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡୋରି ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଦର୍ଶନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମନକୁ କୁହନ୍ତି, ରେ ମନ ଚାଲେ ଟିକେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିବା? ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖ ନା ବିମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲରେ ଥକା ମନ ଚାଲେ, ଚଞ୍ଚଳମ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣମ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷୟୋଃ। ଇଏ ମନ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ଶ୍ମଶାନାନ୍ତେ ମୈଥୁନାଞ୍ଚେ ଚୟାମତି ହି ସାମତି ଯଦି ସର୍ବତ୍ର କୋନ ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନାତ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୁସ୍ତର ମାୟା, ଯସ୍ମାତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରଚିତଂ ମାୟା ଜଗତ ଜାୟତେ ଯସ୍ମିନ୍ ତିଷ୍ଠତି ଚନ୍ତି ଚନ୍ତ ସମୟେ କଳ୍ପାନୁକଳ୍ପଂ ପୁନଃ। ଇଏ ମାୟାରୁ କିପରି ପାର ହେବା? ମାୟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ଯାହାର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ତାକୁ କ'ଣ ମାୟା ଲାଗିବ? ମାୟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଦାସୀ ହେଉଛି ମାୟା, ତେଣୁ ସେ ମାୟା ମୋହର ନହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମାସଙ୍କର ହେବେ ଉଣା। ତେଣୁ ସେ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାୟା କେତେବେଳେ ଫିଟିଯାଏ? ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ କଲାବାଲା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲାବାଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଏ ସଂସାର କାମନା କରିବା ନାହିଁ, ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମାଗିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପାତ୍ର ଦେଖିକରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେ ଦେବା କଥା, କ'ଣ ଦେବା କଥା, କେମିତି ଦେବା କଥା, କିପରି ଦେବା କଥା। ଆମେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ଅପି କପାଳେ ଭୁର୍ଜିତ କେନ, ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଅତି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭାବସ୍ତମ୍ଭ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ ବୃଷଭ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧର୍ମସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖରା ପଡ଼ିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ଇଏ ଖରାର ଦିନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖରା ଅଧିକ ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ଏ ଖରାଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ?
ना घरे पाखरे हो छात ऊपर हो टिके पक्षी मानंक पई जल टिके रखी देबे जल टिके रखी देले निश्चित भाव देखिए जो पक्षी मान आकाश रे विहंग मान उड़ुथबे से जल को आसी से माने पाइबे प्रभु खुशी होंती प्रसन्न होंती कारण ये गरमर समय से निम्ते सूर्य नारायण अधिक किरण उत्तापर समय खरा दिने जेतेबेले आम छात ऊपर टिके पानी रखिदबा पक्षी मानक पई किछि खाद्य रखिदबा निश्चित भाव प्रभु खुशी हेबे प्रभु प्रसन्न हेबे महाप्रभुंकर ई सुंदर भाव रे आमे दर्शन करूचे अरुण स्तंभरु अपूर्व भाव रे दर्शन भक्त मान आज स्पर्श करूछंत काहीं की कारण अरुण स्तंभ जहाँकि ये गोटे पत्थर निर्मित एवं अरुण स्तंभटी देखिए ये कोणार्क मंदिर रे प्रतिष्ठित होते परवर्ती समय ये आसिक अधिष्ठित होती पूर्वर ये अरुण स्तंभ पाखे ये अरुण स्तंभ कोणार्क मंदिर थे आ महाप्रभु को दर्शन करी भक्त माने प्रभुंकर रूप को टिके देखिले कि सुंदर रूप केही सरिकी प्रभु पहणे नीलाद्री केही सरिकी किए सरी हेबे महाप्रभु को सुंदर भाव दर्शन आज शुक्रवार प्रभुंकर ये धला वस्त्र प्रभु परिधान करिवे धला रंगर लुगा एवं माल चूल अलंकार नाना प्रकार सर्वालंकार युक्त नवघन रुचिरम एवं महाप्रभुंकर नेत्र चतुपार्श्व अधर चतुपार्श्वरे कर्पूर कर्पूर चूर्णर प्रलेप दिया जाइछि तो छत्र भोग कौन ना छत्र भोग होची एक पर्वाणी भोग जहाँ किछि विशेष दिन मानंकर अनुष्ठित होइथाय छत्र भोग नैवेद्य संगरे पटुआर रे पधानी पटुआर रे से भोग आसी थाए छत्र रही थाए से भोग रे एवं से भोग महाप्रभु को अर्पण करा जाई थाए एवं देखिबा पई भूलिबे नाही आज साही जातर तृतीय दिन परशुराम कलाहरण नीति परशुरामंकर कलाहरण किपरि से दृश्य को आमे मान आज रात्र रे अवलोकन करिबा दर्शन करिबा एवं आज एकादशी मध्य रात्र दस घटिका समय रे महादीपर दिव्य दर्शन मध्य आमे मान करिबा भूलिबे नाही मन रखंतु मोर बापा माँ भाई भोनी माने महादीप दर्शन करी साही जात्रा दृश्य को माँ मध्य आमे दर्शन करिबा वर्तमान तो मध्यान समय भक्त माने इतस्तत भ्रमण करुछंती एवं पाद तातिले मध्य हृदय शीतल अछि मन शीतल अछि काहेकि ना प्रभु दर्शन रे हृदय मन शीतल हो जाए था प्रभुंक दर्शन रो भाव इच्छा जहाँ मन भितर रही थाए से सब वेले आनंद रे थाए से सब वेले प्रसन्न रे थाए तेणु पाद तातिले मध्य से कष्ट अनुभव हो ना काहेकि ना पाद ताति जाउथिबो आपण देखंतु शरीर भल थिबो यदि मन भल नथिबो तबे किछि भल नाही किंतु शरीर असुस्थ थाउ यदि मन सुस्थ अछि मनुष्य सर्वसमर्थ हो जाए जीव सर्वसमर्थ हो जाए सब कार्य पई समर्थ हो जाए तेणु असीम अपरिकल्पित शक्ति संचार हुए शरीर भितर तेणु मन सुस्थ केतेबेले रहिबो मन सेतेबेले सुस्थ रहिबो जेतेबेले ये मन प्रभुंक चरणारविंद जुगल रे लागिजिबो प्रभुंक चरण रे समर्पित हो निजकु ए मन भितर जेतेबेले प्रभु बसिबे मो मन रे परा तुमे रही अछ आहे कला श्रीमुख मनर मंदिर नित्य विराजी छ हे महाप्रभु आपण मोरी मन भितर अछंती आउ मो मन भितर ही रुहंतु प्रभु मु आपणंकु छाड़ी नाही मन भितर जे प्रभुंकु विराजमान करिला अधिष्ठित करै देला
आउ से मन कुआडे जीव ना मन जी प्रभु पाखे स्थिर करदे ये माया बंधन रु संसार बंधन रु से मुक्त होगला। मन जदि प्रभु पाखे ना मन संसार अच्छी तेरे पुणी माया जाल पड़ा कारण संसार जाल रूपेण मीन रूपेण मानवा संसार हूँ जाल आ मनुष्य मान होती कौन ना मीन सदृश मनुष्य मान होती मीन सदृश एवं देखिथे जो गोटे धीवर टीए केवट जड़े मछ धरी थाए सी जाल पकई थाए पोखरी को हौ नदी को हौ समुद्र को हौ जो माने दूर से था जाल धरा पड़ती किंतु केवट पाद पाखापाखी जो मछ मैंने था जाल पड़ती पड़ती ना ये संसार हूँ संसार सगर से ये भगवान चरणारविंद जुगल को आश्रा करी सी आउ माया जाल पड़ब ना माया जाल टोपे पड़िली दिग न दिशे कूल अच्युतानंद कड़े सुंदर कथा कौन ये माया जाल रु उद्धार केमिति हम ये जीव जिते बड़े प्रभु चरण को आश्रा कर सी माया जाल पड़ब ना प्रभु ताक माया जाल रु उद्धार कर दिंती कारण प्रभु परा निजे कहते रे खाली मो शरण को पलिया मु परा शरणागत वत्सल अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि जीव जते बेले प्रभु सन्मुख सम्मुख को पलाए से जन्म जन्मांतर कोटि पाप अघ दुख कष्ट रु से प्रभुता को निजे मुक्त कर दिंती स्वतः पाप गुड़िक छाड़ी पलई थाए प्रभु सम्मुख को पलैले प्रभु शरण को पलैले तेणु प्रभु दयालु ये जगत रे किए अच्छी प्रभु दयालु कहीं नहांती जो प्रभु बिना कारण भक्त मानूर निज जन मानू कृपा करती अनुग्रह करती आ प्रभु दयालु प्रभुंर नाम को आश्रा कर ये भक्त पार हो जाए कहीं प्रभुंर गोटे थर नाम उच्चारण करदे आपण प्रभुंर जी गोटे थर नाम उच्चारण करदेला सी तार इहलोक परलोक को सुधारी देला कहीं ना प्रभु नाम महिमा कौन जानती हरि बोली थरे डाकी आउ डाकी नाही अंतिम काल रे जमकु देवी पांजी देखाई जे प्रभुंर नाम हरि बोली थरुटी उच्चारण करदेला जगन्नाथ राम कृष्ण बोली थरुटी उच्चारण करदेला से जिते बड़े जमालय को जीव अंत काल रे जमराज पचारे कि भल कम कौन करिचु चित्रगुप्त को पचारे हे चित्रगुप्त टे पांजी देखिकी कह आत्मार कौन करिचि ये ना प्रभु यार बहुत बड़ बड़ कोठा थला ना ये कोठारू कौन मिल भल कम कौन करिचि कह पुण्य काम ना प्रभु ये बड़ पद पदवी थला ना से पद पदवी रु कौन मिल नहीं पद पदवी चित्रगुप्त पचारे भल कम कौन मनुष्य जीवन लाभ जदि गोविंद करे भाव मनुष्य जीवन लाभ से यदि प्रभु चरण रे भाव अच्छी मनुष्य जीवन असली लाभ हो प्रभु चरण को आश्रा कर तेनाली हरि बोली डाकी प्रभु को आश्रा कर जमराज को सी जमराज को सी पांजी देखेदेव देख मु प्रभुंर नाम नहीं आमर फल प्रभु पारे ना तेणु प्रभु होती परम दयालु मध्यान समय प्रभु को दर्शन कले छत्रभोग संपर्क शुणिले रात्र समय रे आज एकादशी महादीप दर्शन करने को भूलिबे नाही कोटि पुण्य महादीप दर्शन कले श्रीमंदिर चूड़ा देश रे एवं आज साहिजात्र तृतीय दिन रात्र एगार घटिका समय रे ये साहिजात्र दृश्य मध्य आपण माने जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे देखि पारिबे सुंदर भाव रे तो समय तो आसी उपस्थित अकिंचन निश्चित भाव रे बाणी को विराम दबो कारण समय रो परिस्थितिर समस्त दास समय को समय क्या अपेक्षा कैना केवल प्रभु छड़ा आमे माने समय और इशारा रे चलवा को हुए आम को आउ से समय दास आमे माने आसंतु अकिंचन बाणी को विराम दबो प्रभु नाम उच्चारण करी आसंतु श्रवण करवा सुंदर भावपूर्ण भजन श्रीमती नमिता अग्रवाल माँ कंठरु जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।